मेरा नाम गौरव, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ गाइस, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से गाइस वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि गाइस मुझे कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा था गाइस। तो आज गाइस टॉपिक मिल चुका है, तो गाइस आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गाइस। तो चलो गाइस अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस आज हम लोग गाइस एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और गाइस इस सीरीज में गाइस मैं सर्वर गेम प्लेस डालने वाला हूँ गाइस। मतलब माइनक्राफ्ट में जितने भी सर्वर्स हैं ना, जैसे कि गाइस ये हो गया सर्वर एक क्यूब क्राफ्ट का, ये हो गया गाइस एक द हाइव का, और यहाँ पर भी गाइस कुछ सर्वर है, और एक हाँ एक नया सर्वर आया है जो कि गाइस ये है, आप लोग देख सकते हो पिक्सल पैराडाइज। तो गाइस ये इन सर्वर्स की गाइस में और भी बहुत सारे सर्वर है, लेकिन इन मैंने गाइस कुछ ही सर्वर के नाम बताए। तो इन सर्वर के गाइस मैं आपको गेम प्लेस मेरे चैनल पर डालने वाला। तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को और गाइज इस वीडियो को लाइक कर दो गाइज, और हाँ चैनल पर न्यू हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो तो प्लीज उसको दबा दो गाइज, और हाँ गाइज सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हाँ वीडियो में बने रहना गाइज। तो चलो गाइज अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पर गाइज यहाँ मैंने माइनक्राफ्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पर गाइज मैं मेरी स्किन लोड होने देता हूँ गाइज, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइज मुझे। यहाँ पर मेरी स्किन भी लोड होने ही वाली है, ये देखो गाइज यहाँ पर स्किन लोड होगी, और इसके बाद गाइज मैं सर्वर में ज्वाइन होऊंगा क्यूब क्राफ्ट का, और स्काई ब्लॉक खेलने वाला हूँ गाइज में। और हाँ मैंने उसमें गाइज थोड़ी सी प्रोग्रेस भी की है स्काई ब्लॉक में, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोग्रेस गाइज। तो आप लोग गाइज सबसे पहले वो वाली प्रोग्रेस देखो, उसके बाद गाइज हम वो वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं। तो प्रोग्रेस देख के वापस आ जा, अब वापस आ जाना प्रोग्रेस देख के।
तो अभी आपने मेरी प्रोग्रेस देख ली होगी गाइस, तो अभी हम लोग गाइस आगे का गेम कंटिन्यू कर लेते हैं गाइस। तो चलो उसमें सबसे पहले मेरी स्किन भी लोड हो चुकी है गाइस, और मैं सर्वर्स में जाता हूँ। और ये देखो गाइस, ये रहा यहाँ पर एक क्यूब क्राफ्ट सर्वर है गाइस, और कुछ ऐसा सर्वर है यहाँ पर, आप लोग इसकी गाइस स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। रुको, ये देखो गाइस, ये देखो, ये स्काई ब्लॉक है गाइस, इसी की हम लोग सीरीज करने वाले, मतलब इसी का गेम प्ले करने वाले हैं गाइस, और लकी आइलैंड, एक बार बहुत सारे गेम है। तो मैं जल्दी से गाइस इसको ज्वाइन कर लेता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। और गाइस यस, अभी हम लोग गाइस यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं इस क्यूब क्राफ्ट सर्वर में। और गाइस यहाँ पर हमें कुछ ये आइटम्स दे रखे हैं गाइस, रुको मैं आपको बताता हूँ। और गाइस ये मुझे ये स्किन कैसे आ गई यार, मैंने तो मेरी वाली स्किन लोड की थी। एक मिनट, ये देखो गाइस, यहाँ पर तो मेरी वाली स्किन है, लेकिन इस सर्वर में मुझे ये वाली स्किन कैसे मिल गई, जाने दो, क्या पता गाइस हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर गाइस ये ट्रैवल, लूट, सोशल मेन्यू, गिफ्ट्स और लॉबीज का ऑप्शन है। तो गाइस मैं आपको एक बार इस सर्वर का पूरा पूरा लुक दिखा देता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आप लोग भी ज्वाइन हो गए ना गाइस, तो ये देखो गाइस, यहाँ पर आप लोग जरूर आना। इस प्रेशर प्लेट पर गाइस आप पैर रखते हैं, आप लोग गाइस जंप का बटन दबा देना। ये देखो गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा ऊँची जंप मार लोगे। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर ये बेटा गेम्स है, और ब्लॉक वॉर्स भी है, लकी ब्लॉक्स भी है गाइज यहाँ पर, और स्काई वॉर्स भी है, एग वॉर भी है गाइज, और ये स्काई ब्लॉक है जिसमें अभी हम खेलने वाले हैं। इसके बाद गाइज ये बैटल अरेना, और ये कौन सा है, ये माइन वॉर है, और ये कुछ सर्वाइवर गेम्स है। तो मैं जल्दी से गाइज मेरे स्काई ब्लॉक में गाइज मैं एंटर हो लेता हूँ गाइज। ओके गाइज, तो अभी हम लोग गाइज हमारे स्काई ब्लॉक के आइलैंड पे एंटर हो चुके हैं। और ये देखो गाइज, इतनी मैंने प्रोग्रेस की थी गाइज। और गाइस मेरे पास कुछ सैपलिंग्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पड़े हुए हैं। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ कि आपने तो देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ये डर्ट हटा दी थी गाइस, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ की गाइस एक और लेयर डर्ट की हटा देता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास फिर डर्ट की कोई कमी ना होगी गाइस। तो मैं ये गाइस सारी की सारी डर्ट की लेयर हटा देता हूँ। तो इसको हटाने में गाइस थोड़ा सा टाइम लगे। अरे हाँ, एक सेकेंड, मेरे पास स्टोन की शवेल तो पड़ी है ना, तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। अरे ये तो रही मेरे पास स्टोन की शवेल पड़ी हुई है, इससे गाइस जल्दी से ये सारे के सारे डर्ट हट जाएंगे। तो गाइस मैं ये सबसे पहले गाइस मैं ये एरिया प्लेन कर लेता हूँ, और इसके बाद गाइस मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि कैसा मेरा आयरलैंड अभी दिख रहा है गाइस। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर सारी की सारी ग्रास यहाँ पर हटा दी है, और गाइस एक प्लेन ईयर एरिया मैंने गाइस यहाँ पर बना दिया है गाइस। और गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मेरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया है, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ का सारा पानी हटा दिया था। और गाइस अभी मैं यहाँ पर मेरे विलेजर को प्लेस करने वाला हूँ, तो मैं गाइस विलेजर को यहाँ पर प्लेस करूँगा, तो यहाँ पर प्लेस शॉप। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर हमारा विलेजर प्लेस हो चुका है। और गाइस मैंने खेल मतलब ये प्लेन करते करते गाइस एक बार मैं यहाँ पर मैं लॉबी में चला गया था गाइस गलती से, और गाइस लॉबी में जाने से गाइस मेरा एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। और हाँ गाइस, अभी मैं आपको मेरा दूसरा आइलैंड भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्लैब चाहिए। और हाँ, ये जो कॉबलस्टोन जनरेटर है ना गाइस, इसको भी गाइस मैं कहीं ना कहीं तो लगा ही देता हूँ, तो मैं इसको गाइस यहाँ पर लगा देता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पर मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर भी मैंने गाइस लगा दिया है, और ये बकेट है यहाँ पर गाइस, मैं वाटर कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक स्लैब लगा देता हूँ, और मैं जल्दी से चलता हूँ गाइस मेरे उस दूसरे आइलैंड पर। अरे हाँ, एक मिनट, दूसरे आइलैंड पर जाने से पहले गाइस मैंने यहाँ पर सैपलिंग्स लगा देता हूँ, ताकि गाइस मैं अगर वापस आऊँ तो तब तक यहाँ पर गाइस ट्रीज ग्रो हो चुके होंगे गाइस। तो यहाँ पर एक सैपलिंग लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक सैपलिंग, यहाँ पर भी एक लगा देते हैं गाइस, और एक यहाँ पर भी एक गाइस, और यहाँ पर एक, और गाइस बीच में भी गाइस मैं सैपलिंग्स लगा देता हूँ।
अरे सॉरी, इसको नहीं लगाना, मुझे यहाँ पर लगा देना और यहाँ पर। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर सैपलिंग भी प्लांट कर दिए है। एक बार देखूँ तो यहाँ पर ये कितने टाइम में ग्रो होने वाले। ओके, तो इनको 1 मिनट लगेगा। तो मैं जल्दी से गाइस मेरे दूसरे आइलैंड पर जाता हूँ और आपको गाइस मेरा दूसरा आइलैंड भी दिखा देता हूँ। और मुझे ध्यान से चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं अगर नीचे गिर गया तो गाइस मेरे कॉइन्स चले जाएंगे गाइस। और गाइस हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रुको गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पर मेरे पास गाइस 1500 कॉइन्स है। और हाँ, यहाँ पर भी गाइस मैंने एक वाटर सोर्स बचा रखा था, तो मैं यहाँ पर भी गाइस ये जो मेरी डर्ट है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ का वाटर गाइस मैं बंद करने वाला हूँ। और हाँ यहाँ, और हाँ गाइस यहाँ पर एक केव भी है जहाँ पर हमें गाइस कोल मिलता है, अनलिमिटेड कोल जनरेटर है वहाँ पर गाइस। तो ओके गाइस, मैंने अभी इसको भी हटा दिया है। और यहाँ पर भी गाइस मुझे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, तो उसके लिए मुझे बस क्या करना होगा, इसको और इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक मुझे वाटर डाल देना है और यहाँ का पानी लेकर यहाँ पर डाल देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी मेरा अभी अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। तो मैं जल्दी से ये डर्ट हटा देता हूँ। अरे अरे अरे, हाँ हो गया गाइस। और यहाँ पर भी गाइस मेरे पास सैपलिंग तो मैंने नहीं है अभी। और हाँ, ये जो क्राफ्टिंग टेबल है गाइस, इसको मैं कहीं और रख देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रख दिया है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर भी एक चेस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर इसको रख देते हैं। और यहाँ पर भी गाइस मैं सामान रखने वाला हूँ और इस शॉप को मुझे डिसमेंटल करना है। ओके, और इस विलेजर को, मतलब इस शॉप को मुझे यहाँ पर प्लेस कर देना है। ओके गाइस, तो अभी मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं जल्दी से ये सूप पी लेता हूँ और थोड़ा सा साउंड कम कर लेता हूँ। और हाँ गाइज, अभी हमें ना गाइज यहाँ पर बीट रूट की फार्मिंग करनी है, तो मैं जल्दी से मेरा होए निकाल लेता हूँ और यहाँ पर ये सारे के सारे होए कर देते हैं गाइज हम लोग। और यहाँ पर गाइज मेरे पास वाटर तो नहीं है, तो मैं जल्दी से वहाँ से एक बकेट वाटर सोर्स ले लेता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। और हाँ गाइज, यहाँ से मैं वाटर ले लेता हूँ और गाइस मैं वाटर ये यहाँ पर डालने वाला हूँ। और मेरी पिकैक्स भी टूट चुकी है गाइस यार। और मेरे पास बीट रूट सीड्स बहुत सारे हैं, तो मैं जल्दी से इन बीट रूट सीड्स को गाइस यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ और इसको भी होए कर देते हैं। और यहाँ पर भी गाइस, अरे डर्ट नहीं लगानी। और यहाँ पर भी गाइस मुझे ये बीट रूट सीड्स को प्लांट करना है, क्योंकि गाइस मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये देखो गाइस, मुझे गाइस एक क्वेस्ट मिला है ये वाला। यहाँ पर गाइस मुझे टोटल 500 बीट रूट हार्वेस्ट करने हैं, तो गाइस वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तो मैं उसको भी करने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बहुत सारे क्वेस्ट है। और यहाँ पर है क्राफ्ट पम्पकिन सीड्स, तो ओके गाइस, वो मुझे 4 पम्पकिन सीड्स क्राफ्ट करनी है। तो मैं जल्दी से मेरे उस वाले आइलैंड पर चलता हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पर मेरे पास पम्पकिन पड़े हुए हैं, तो मैं, और गाइस वहाँ पर मेरे ट्रीज भी ग्रो हो चुके हैं, मैं पम्पकिन पड़े हुए, तो गाइस मैं वहाँ से 4 बीटरूट सॉरी पम्पकिन सीड्स में क्राफ्ट कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ पर कितने सारे ट्रीज हो चुके हैं, ये देखो गाइस मेरे पास 4 पम्पकिन है, तो मैं जल्दी से 4 पम्पकिन सीड क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर मेरा क्वेस्ट कम्प्लीट हो चुका है वो पम्पकिन का। और एक नया क्वेस्ट आया है, वो है हार्वेस्ट 50 पम्पकिन्स। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे ये पम्पकिन की सीड्स बना लेता हूँ। और अभी गाइस टोटल मेरे पास यहाँ पर हो चुके हैं, ये कौन सी, ये पम्पकिन सीड है और ये भी पम्पकिन सीड ही है गाइस, तो दोनों पम्पकिन सीड, तो टोटल मेरे पास अभी 17 पम्पकिन सीड्स हो चुके हैं गाइस। और अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेस्ट आए हैं गाइस, तो मैं देख लेता हूँ। ये भी है गॉट बीफ। ओके, तो मुझे 30 काउस को मारना है और 15 उनके बीफ को पकाना है, मतलब स्टीक को कुक करना है। और हाँ गाइस, मेरे पास ये काउ स्पॉनर भी है, तो मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ कहाँ पर। तो और हाँ, तो सबसे पहले गाइस मैं ये सारे के सारे ट्रीज कट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रीज हो चुके हैं, तो जल्दी से गाइस मैं ये सारे के सारे ट्रीज को ही कट कर देता हूँ गाइस।
ओके गाइज, तो अभी मैंने यहाँ पर सारे के सारे गाइज मैंने वुड्स मतलब ट्रीज को कट कर दिया है। और गाइज ऊपर आप लोग गाइज देख सकते हो गाइज मेरे पास टोटल 138 ट्रीज गाइज मैंने कट मतलब 138 लॉग्स गाइज मैंने ले लिए है यहाँ से गाइज। और गाइज ये वाला जो मिशन है मेरा मतलब क्वेस्ट है वो भी कंप्लीट होने वाला है 200 लॉग्स का। और इसके साथ गाइज मेरे पास बहुत सारे मिशन है मतलब वे भी ये वाला भी है गाइज 30 पोटैटोज हार्वेस्ट करना और 15 बेक करना। तो गाइज मेरे पास अभी मैं दिखा देता हूँ, ये तो गाइज 3 सैपलिंग्स और लगभग 1.5 स्टैक गाइज मेरे पास वुड आ चुका है, 3 सैपलिंग्स आ चुकी है गाइज। तो गाइज मैं जल्दी से अभी क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरा गाइज बीट रूट्स है ना गाइज मैं उनको प्लांट करने वाला हूँ। मतलब गाइज बीट रूट्स को नहीं, ये जो गाइज आप लोग देख सकते हैं ना ये पोटैटोज, तो गाइज मैं इन पोटैटोज को प्लांट करने वाला हूँ। और मेरा वो जो पोटैटो का मिशन है गाइज वो भी मैं कंप्लीट कर ही लेता हूँ। और अभी मेरे पास टोटल 17 वुड्स है, तो मैं जल्दी से गाइज जाता हूँ मेरे वो वाले आइलैंड पर मतलब सेकेंड आइलैंड पर, और वहाँ पर गाइज मैं पोटैटोज की फार्मिंग करने वाला हूँ। तो वहाँ पर गाइज मेरे बीट रूट्स भी गाइज वहाँ पर मैंने प्लांट करने के लिए रख दिए थे, तो वो भी मेरे उग चुके हैं गाइज टोटल। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इनको तोड़ लेता हूँ और गाइज यहाँ पर मुझे ये पोटैटोज प्लांट करने हैं। ओके, तो मुझे बस इतने पोटैटोज प्लांट करने हैं और बाकी के पोटैटोज को गाइज मुझे कुक करना है फर्नेस में। तो मैं जल्दी से मेरे उस वाले आइलैंड पे वापस से चलता हूँ गाइज। और मेरे पास अभी गाइज 15 पोटैटोज है, तो मुझे 15 को ही बेक करना है फर्नेस में और गाइज मेरा एक और क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज उससे पहले गाइज यहाँ पर मेरे पास सैपलिंग्स भी गाइज गिर रही है, तो मैं सैपलिंग्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा जो गाइज फर्नेस है वो मैंने चेस्ट में रखा हुआ है, नहीं मेरे पास ही है, अच्छा, तो मैं इस फर्नेस को गाइज यहाँ पर रख देता हूँ। और मेरे पास गाइज कोल तो नहीं है उतना ज़्यादा, तो मैं क्या करता हूँ ये जो बाउल है ना गाइज इसको मैं रख सकता हूँ एज अ फ्यूल, रख तो सकता हूँ लेकिन ये नहीं है सफिशियंट, ये यूज़ नहीं हो रहे गाइज यहाँ पर पता नहीं क्यों, तो जाने दो गाइज। मैं अभी के लिए तो यहाँ पर ये लगा देता हूँ मेरा जो ये जो गाइज प्लैंक्स है ना गाइज इससे गाइज मैं बहुत सारे स्लैब्स बना लेता हूँ और इन स्लैब्स को गाइज मैं एज अ फ्यूल यूज़ करता हूँ। और मेरे पास गाइज बहुत सारे टॉर्चेस भी थी, हाँ ये रही, तो गाइज मैं ना इन टॉर्चेस को यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि गाइज अंधेरा ना रहे यहाँ पर। अरे ये ज़्यादा लग गई। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारे पोटैटोज बेक हो रहे हैं, मैं आपको तब तक गाइज क्वेस्ट दिखा देता हूँ। और हाँ मैं ना गाइज आपको एक बार ये लॉबी भी दिखा देता हूँ, ये जो स्काई ब्लॉक है ना गाइज इसकी लॉबी कहाँ पर है, ये देखो गाइज यहाँ पर है स्काई ब्लॉक हब, तो मैं जल्दी से यहाँ पर जाता हूँ गाइज। ओके गाइज, तो अभी मैं आ चुका हूँ स्काई ब्लॉक हब में, ये गाइज स्काई ब्लॉक की लॉबी है। यहाँ पर गाइज मैं आपको एक बार टूर करा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आता है गाइज ये वाली शॉप आती है, ये गाइज रिपेयरर की शॉप है। तो यहाँ पर हम लोग गाइज हमारा जो वेपन्स और फिर वेपन्स और टूल्स होते हैं ना गाइज उसको हम लोग गाइज रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, अच्छा ये तो क्या गाइज रिपेयर स्टोन और रिपेयर स्टोन एक्स रिपेयर वुडन हो, तो हम लोग गाइज यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं सामान। और गाइज नेक्स्ट जो शॉप है वो शॉप है सेल आइटम्स और बाय आइटम्स की, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा सामान सेल कर सकते हैं कॉइन्स के लिए और बाय भी कर सकते हैं गाइज। और नेक्स्ट गाइज शॉप है वो है एडवेंचरर की, यहाँ पर गाइज हम हमारे क्वेस्ट देख सकते हैं हमने कौन से क्वेस्ट कंप्लीट कर रखे हैं और हमारे कौन से क्वेस्ट कंप्लीट होने बाकी है गाइज। तो यहाँ पर इतना हम लोग गाइज चेक कर सकते हैं। अरे मेरा नेटवर्क नहीं आ रखा है, एक मिनट देख लेता हूँ गाइज, नेटवर्क तो आ रहा है थोड़ा सा, हाँ। तो ये देखो गाइज यहाँ पर आपको क्वेस्ट देखने को मिलेगी। और गाइज इसके बाद जो शॉप आती है वो आती है एनचेंटर की, यहाँ पर गाइज हम लोग हमारा सारा का सारा सामान एनचेंट कर सकते हैं मतलब हमारे टूल्स और वेपन्स। इसके बाद आती है शॉप गाइज प्रोफाइल्स की, यहाँ पर हम लोग गाइज हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं हमने क्या क्या प्रोग्रेस किया। और इसके बाद आती है ऑप्टिमाइजर की, यहाँ पर हम लोग गाइज बूस्ट ऐड कर सकते हैं हमारे जनरेटर पर, गाइज हम यहाँ पर बूस्ट ऐड कर सकते हैं। और ये ओपन नहीं हो रही है, अच्छा। तो और गाइज ये है एंड गेटवे,
गेट कीपर कमिंग सून, मतलब गाइज यहाँ से हम लोग गाइज एंड में जा सकते हैं। और गाइज इसके बाद है गाइज यहाँ पर ये जो हमारा ओवरवर्ल्ड का है, मतलब यहाँ से गाइज हम लोग हमारे आइलैंड को वापस जा सकते हैं। और गाइज ये है नेदर का, और यहाँ से हम लोग गाइज नेदर जा सकते हैं। ये देखो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, नेदर में जाने के लिए हमें गाइज टोटल 200 बोल्स चाहिए गाइज, और 200 रॉटन फ्लेश, 200 स्पाइडर आयर, 24 ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ये हम लोग गाइज चाहिए होंगे गाइज इतने आइटम्स। इसके बाद ही हम लोग गाइज हमारा नेदर अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे मेरे आइलैंड्स पर, और यहाँ पर गाइज मेरे पोटैटोस कुक हो चुके होंगे, नहीं हो रहे अभी गाइज। तो जब तक गाइज ये पोटैटो कुक नहीं होते मैं वीडियो को गाइज स्किप कर देता हूँ। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पर हमारे पोटैटोस कुक हो चुके हैं, तो मैं जल्दी से इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार क्वेस्ट देख लेता हूँ। ओके, तो मुझे अभी और 3 पोटैटोस को हार्वेस्ट करना है गाइज, तो मैं जल्दी से मेरे उस सेकंड आइलैंड पर जाता हूँ। वहाँ पर गाइज मैंने पोटैटोस को प्लांट करा था, तो मुझे पता है कि वो अभी तक ग्रो हो चुके होंगे गाइज शायद से। ओके गाइज, तो यहाँ पर के गाइज पोटैटोस ग्रो हो चुके हैं, मैं जल्दी से यहाँ पर मेरी ये टॉर्च हटा देता हूँ, और हाथ से गाइज मैं यहाँ पर इनको तोड़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा पोटैटो का तो हो चुका है गाइज यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट। तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैं इनको खा लेता हूँ। और गाइज एक नया क्वेस्ट अनलॉक हो चुका है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर गाइज 128 पोटैटोस को हार्वेस्ट करना है गाइज, ये हार्ड होने वाला है। और गाइज यहाँ पर एक और है जो कि है पम्पकिन का। और गाइज मैं आपको नीचे की गाइज ये केव भी दिखा देता हूँ जल्दी से। तो नीचे जाने के लिए मुझे सबसे पहले मेरी पिकैक्स लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे उस आइलैंड पर है। तो गाइज मैं जल्दी से जाता हूँ और पिकैक्स लेकर आता हूँ गाइज। ओके, तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर पिकैक्स मैं लाया हूँ गाइज, अभी मैं जल्दी से यहाँ पर इस कॉबलस्टोन को तोड़ता हूँ। और यहाँ से गए सीधा तो नीचे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन मैं यहाँ पर एक और कॉबलस्टोन तोड़ लेता हूँ। यहाँ से गए मैं सारी की सारी ये कॉबलस्टोन तोड़ने वाला हूँ। ओके गैस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है मेरी केव। और गैस ये जो गैस कोल ओर्स है ना गैस, इनको मैं ओपन कर, मतलब गैस इनके गैस जो जनरेटर होते हैं ना गैस, इनको मैं तोड़ने वाला हूँ। और गैस इसको मैं आइलैंड पर लगाने वाला हो गाइस। तो जितने भी कोल और जनरेटर है गाइस, वो मैं सारे के सारे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और इनको गाइस मैं मेरे आइलैंड पर लगाने वाला हूँ। ओके, ये भी हो गया रिमूव, और अभी ये वाला भी रिमूव हो गया है। अभी मुझे इसको भी माइंग करना पड़ेगा, और ये वाला भी रिमूव हो चुका है। ये एक और बचा है गाइस, इसको भी मैं जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला भी रिमूव हो चुका है। और गाइज वहाँ पर भी और भी कोल जनरेटर गाइज है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से इनको भी माइन कर लेता हूँ, और इनको भी रिमूव कर लेता हूँ गाइज। ये भी रिमूव, और ये भी रिमूव हो गया। और नीचे भी है गाइज और भी कोल जनरेटर्स है, तो मैं जल्दी से गाइज सारे के सारे कोल जनरेटर्स को रिमूव कर लेता हूँ गाइज। गाइज, तो अभी मैंने यहाँ पर सारे के सारे मेरे कोल जनरेटर्स को तोड़ लिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज मेरे पास 17 कोल जनरेटर्स आ चुके हैं। तो मैं जल्दी से गाइज ऊपर चल लेता हूँ पानी डाल के, और यहाँ से मुझे कुछ ऐसे ऊपर जाना है। ओके गाइज, तो अभी मेरे पास जितने भी गाइज ये बीट रूट से गाइज, मैं इनको भी तोड़ लेता हूँ, और गाइज मेरा और एक क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो गाइज हार्वेस्ट बीट रूट से ना गाइज 500 का, ये क्वेस्ट कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं जल्दी से गाइज यहाँ पर ये जो पम्पकिन्स है ना गाइज, इसको भी गाइज मैं प्लांट कर देता हूँ। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक गाइज, और बाकी बचे हुए एरिया में गाइज मैं बीट रूट्स प्लांट कर लेता हूँ गाइज। और ये यहाँ पर एक पत्ता क्या कर रहा है, ओ सैपलिंग मिली, वाओ। और अभी गाइज ये जो मेरे सारे के सारे कोल जनरेटर्स हैं ना गाइज, इनको मैं अभी यहाँ पर आइलैंड पे लगाने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ये ऐसे लगा देता हूँ, एक मिनट गाइज,
सबसे पहले तो गाइज मैं ये लॉक कर लेता हूँ। अभी गाइज मुझे यहाँ पर नीचे जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जल्दी से गाइज इसको तोड़ लेता हूँ। और ये मेरे पास कितने कोल जनरेटर है टोटल गाइज? मेरे पास 17 कोल जनरेटर है ना, तो मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए यहाँ पर, तो मैं 8 लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 तो हो चुके हैं, तो बाकी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर एक 9 10 11 12 13 और 13 लग चुका है। यहाँ पर भी गाइज मैं ये लगा देता हूँ कोल जनरेटर, और यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ। ओ गाइज मेरे नीचे डर्ट पड़ी हुई है, तो मैं जल्दी से इसको उठा लेता हूँ। ओके गाइज, तो अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोल जनरेटर बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक को मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए और एक कोल जनरेटर को गाइस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर मैंने सारे के सारे कोल जनरेटर लगा दिए हैं, और यहाँ पर गाइस इनमें कोल्स भी आना तैयार हो चुका है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो सेल आइटम्स है ना गाइस, मैं यहाँ पर बहुत सारे गाइस ये कोल सेल करने वाला हूँ, और इन कोल को बेच बेच कर गाइस मैं बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये कोल को तो मैंने सेल कर दिया, इसके बाद गाइज ये लेदर भी मैं सेल कर लेता हूँ। नहीं, लेदर नहीं सेल करूँगा, क्योंकि लेदर का मैं आर्मर भी बनाने वाला हूँ गाइज। और क्या सेल करूँ मैं, ये बीटरूट सेल कर देते हैं, बीटरूट का कोई काम नहीं है गाइज। और अभी यहाँ पर और भी बीटरूट गाइज ये प्लांट उग चुके हैं, तो मैं जल्दी से इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और वापस से लगा देते हैं। और गाइज ये जो बीटरूट सीड्स है ना गाइज, इनको भी मैं सेल करने वाला हूँ गाइज। और ये हो गए बीटरूट सीड्स सेल्स। ओके गाइज, अभी यहाँ पर मेरा आइलैंड अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कोल जनरेटर भी आ चुके हैं गाइज। और मेरे पास गाइज, मैं उस आइलैंड पर एक बार जाता हूँ गाइज, और वहाँ पर एक बार देख लेते हैं गाइज कि वहाँ पर गाइज मैं ना ये सारे के सारे पम्पकिंस और भी प्लांट करने वाला हूँ गाइज, क्योंकि गाइज मुझे पम्पकिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा गाइज पम्पकिन से, और बहुत ज़्यादा कॉइन्स भी लेंगे मुझे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक ये ऐसे लाइन एक बना देता हूँ गाइज, एक लाइन, दो लाइन और तीसरी लाइन, और यहाँ पर भी गाइज मैं लाइंस बना देता हूँ। और एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये भी लाइन बना देते हैं। और अभी मेरे पास जितने भी गाइज पम्पकिन के सीड से मैं इनको यहाँ पर लगा प्लांट कर देता हूँ गाइज। अच्छा, हो गया। तो यहाँ पर भी एक लगानी है, और यहाँ पर भी एक लगानी है, यहाँ पर भी एक लगा देनी है, यहाँ पर भी एक लगा देने हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर, अरे मुझे ये वाली ना सीड मुझे रिमूव करनी है। अगर यहाँ पर मैं सीड लगाऊंगा तो दोनों के पम्पकिन एक ही साइड पर ग्रो हो जाएंगे ना गाइज, तो गाइज उसको प्रॉब्लम होगा गाइज। तो मैं इस सीड को गाइज मैं ना यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ, अरे यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पर ना मुझे वाटर भी डालना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से गाइज यहाँ पर वाटर प्लेस कर देता हूँ। मुझे कहाँ पर डालना चाहिए वाटर? ओके, तो मैं यहाँ पर गाइज ये वाटर ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ से ये डर्ट में गाइज हटाने वाला हो, ताकि मैं यहाँ पर ये वाटर लगा सकूँ। और गाइज यहाँ से मैं ये वाटर ऐसे डाल देता हूँ गाइज, ताकि ये मेरे सारे के सारे पम्पकिंस को गाइज वाटर मिल जाएगा गाइज। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पर मैंने वाटर भी प्लेस कर दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा और वाटर डाल देता हूँ ना, अभी मेरे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स तो है ही, तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पर वाटर डाल देता हूँ। यहाँ से लो और यहाँ पर डालो, और एक यहाँ पर डालो, हो गया काम। और गाइज मेरे यहाँ पर पम्पकिंस भी गाइज ग्रो हो रहे हैं, ये देखो गाइज मैं आपको एक बार उनका दिखा देता हूँ कि वो कितने ग्रो हो चुके हैं।
ये देखो गाइस, अभी इनको 8 मिनट 13 सेकेंड्स लगेंगे इनको पूरा कपड़ा ग्रो होने में। तो मैं जल्दी से गाइस यहाँ पर ये बीटरूट खा लेता हूँ ताकि मेरी कुछ हेल्थ भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मैंने ये डर्ट लगा दी थी तो सॉरी उसके लिए। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा फूड भी ईट खा लेता हूँ गाइस ताकि मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी। आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। इस वीडियो में गाइस मैंने वो गोल जनरेटर लिया, मेरा आइलैंड अनलॉक किया था गाइस। और हाँ, मैंने गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में जब आपको क्लिप दिखाई वो भी आपको अच्छी लगी हो गाइस। तो गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा देना गाइस। तो गाइस चलो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।